गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके रूल्स हैं। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चे में कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्यों ज़रूरी है? तो ग्रोथ मॉनिटरिंग से हमें बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चा जो हो रहा है वो उसकी ग्रोथ स्लो है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, या उसको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक है, तो जन्म के बाद से बच्चे में ग्रोथ मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक कि वो 5 साल का नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि जितने भी चेंजेस होने होते हैं बॉडी में वो इसी एज में होते हैं। तो सबसे पहले आप इसे स्टार्ट करने से पहले, ग्रोथ मॉनिटरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि बच्चे में नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस, नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड मिड अपरम सर्कमफ्रेंस कितना होता है। तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि नॉर्मली बच्चे की हाइट वेट कितना होता है। सबको आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट 3 kg होता है। तो जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो उसका वज़न 2 गुना हो जाता है, जब 1 साल का होगा तो उसका वज़न 3 गुना होना चाहिए, 2 साल में 4 गुना एंड 3 साल में 5 गुना, 5 साल में 6 गुना, 7 साल में 7 गुना और 10 साल में 10 गुना होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे का वज़न बढ़ना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब हाइट, तो बच्चे में नॉर्मली जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी हाइट 50 cm होती है, तो 3 महीने में वो 60 cm हो रही है, 6 महीने में 65 cm, 9 मंथ में 70 cm, 1 ईयर में 75 cm, 2 ईयर में 90 cm और 4 साल में 100 cm। इसके बाद हम बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस मतलब हेड की गोलाई को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, सभी को पता है कि बच्चे का उसकी जो फर्स्ट पहले 1 साल जो होता है उसका उसमें उसकी हेड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर रही थी आपसे, तो तब मैंने बताया था कि ग्रोथ का पैटर्न कैसे होता है, सिफेलोकॉडल होता है, मतलब कि हेड से पाँव की तरफ होता है, ठीक है। तो मतलब कि हेड वाला पार्ट सबसे पहले डेवलप होता है और ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो इसलिए जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है, हेड की गोलाई जो होती है, अगर आप उसको इंच टेप से मेज़र करोगे तो वो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, चेस्ट सर्कमफ्रेंस के, ठीक है। तो बर्थ में 34 cm होती है हेड सर्कमफ्रेंस, जब उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती रहती है, जैसे पहले उसके बाद बर्थ के 3 महीने में वो हर 2 cm बढ़ेगी, फिर अगले 3 महीने में 1 cm और उसके बाद फिर वो 0.5 cm ऐसे घटती रहती है। मतलब कि अगर बच्चा 3 महीने का है तो उसका जो हेड्स की गोलाई होगी वो 40 cm होगी और 1 साल में वो 45 cm हो जाती है। इसी तरीके से चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो हेड चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस से कम होता है, तो बर्थ में वो 31 cm होता है, यानी कि 3 cm कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस से। उसके बाद जैसे बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है। उसके बाद मिड अपरम सर्कमफ्रेंस, मिड अपरम सर्कमफ्रेंस मतलब कि हमें बच्चे की जो लेफ्ट कलर की लेफ्ट आर्म होती है उधर हमने क्या करना होता है, उसको ऊपर वाले आर्म को हमें मेज़र करना होता है। इससे हमें बच्चे के न्यूट्रिशनल पैटर्न का पता चलता है कि उस वो बच्चा कुपोषण तो नहीं है उसको, ठीक है। तो बर्थ में जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेते हैं, ऊपर वाली भुजा की जब आप गोलाई लेते हैं तो वो बर्थ में 11 से 12 cm होनी चाहिए, 1 साल में 12 से 16 cm होनी चाहिए, 1 से 5 साल में 16 से 17 cm होनी चाहिए और 12 साल में 17 से 18 cm होनी चाहिए और 15 साल में 20 से 21 cm होने चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल पैरामीटर्स मैंने आपको बताए कि नॉर्मली हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन से मेथड्स हैं जिससे हम बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी है कि बच्चे का जो वेट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसकी हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, तीसरी चीज़ है कि हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी सही होना चाहिए, फिर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे मॉनिटर करनी होती है जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, वेट को किससे चेक करते हैं, ठीक है। अगर पैदा हुई बच्चे का वज़न और जब तक वो
छः महीने या एक साल का नहीं हो जाता, उसको हम वेइंग मशीन से ही चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ये इन्फेंटोमीटर मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये इन्फेंटोमीटर है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे दिखाया है साल्टर स्केल। साल्टर स्केल हम जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है या 1 साल का हो जाएगा तभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये साल्टर मशीन है, इस तरीके से इसमें बच्चे को हम बैठाते हैं और उसका वज़न हम यहाँ पे नापते हैं। यहाँ पे जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है, फीमेल वर्कर होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का वज़न हर महीने नोट करना होता है और उसके बाद फिर उसको बच्चे की ग्रोथ चार्ट में मेंशन करना होता है। हर एक बच्चे का एक रजिस्टर होता है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। तो जब तक 5 साल का नहीं हो जाता बच्चा तब तक उसे मेंटेन करना होता है। इस तरीके से ये साल्टर स्केल है, ठीक है, जिसमें बच्चे को इस तरीके से बैठाया जाता है और फिर उसका वेट चेक किया करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें मदर को एजुकेट करना है कि ये हम वेट क्यों चेक कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी है इसमें, और उन्हें साथ में ये भी एजुकेट करना है कि हर महीने बच्चे के वज़न के लिए आना है। ठीक है, तो साल्टर मशीन में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मशीन है साल्टर मशीन, तो इसमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले इसके लेवल को हमने ज़ीरो में करना है। ज़ीरो में करने के बाद उसके बाद फिर बच्चे को ये स्विंग जो झूला है इसे पहनाना है। देन उसके बाद में फिर हमें इस तरीके से रीडिंग को नोट करते हैं और फिर उसको बच्चे के ग्रोथ चार्ट में रजिस्टर में मेंटेन कर देते हैं कि अभी इतना वजन था उसका। अब सेकेंड चीज़, जब हमने वेट को चेक कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद हमें एक बच्चे के ग्रोथ चार्ट में इसको मेंशन करना है। तो इधर आपको दिख रहा है ये पिंक कलर का है और ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो बच्चों ये कलर है वो हम पिंक कलर गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं और ब्लू कलर बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 साल तक ए एज के लिए है, लेकिन नॉर्मली पाँच साल तक हम मेंटेन करते हैं, तो ये वाला 3 ईयर के लिए। अब इसमें आपको 3 कलर्स दिख रहे हैं चार्ट के बीच में, ग्राफ में, हरा, पीला और नारंगी कलर, ठीक है। तो हरा कलर है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जो नॉर्मली अगर बच्चे की जो ग्रोथ है, इसमें हम वैसे ग्राफ में जैसे प्लॉट करते हैं वैसे इस तरीके से करते हैं कि देखो इधर दिख रहा है ये वेट के लिए है, एक कॉलम में क्या है इसका वेट है और नीचे बच्चे की एज है, ठीक है। तो जिस खाने में आएगा, जैसे उसके बच्चे का वज़न 2 है तो 2 वाले खाने में आपने क्या करना है, डॉट लगाना है। उसी तरीके से ऊपर से हाइट लेके उसको लगाना है, फिर डॉट लगाना है। तो अगर बच्चे का हाइट और वज़न जो है वो अगर हरे कलर वाली उसमें आ रहा है, रो में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि बच्चा हेल्दी है अभी, ठीक है। और अगर वो येलो कलर में आ रहा है तो मतलब कि बच्चे का वज़न अभी बहुत कम है, और अगर ऑरेंज आ रहा है तो मतलब बहुत कम है। तो इसमें बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है वो कैसे पता चलेगा, अगर उसकी रीडिंग्स जो हैं वो हरे कलर में आएंगी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है कि बच्चे की हाइट को कैसे नापते हैं, ठीक है। हाइट के लिए यहाँ पे एक स्केल होती है जो बनाई हुई होती है, कम्युनिटी में ही होती है नॉर्मली, या फिर ये स्टेडियोमीटर है। स्टेडियोमीटर का यूज़ भी हम बच्चों के लिए, ये 1 साल से ऊपर वाले बच्चे जो हैं उनके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को हमें कैसे मेज़र करना है, ठीक है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेज़र करने के लिए ये एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, MUAC इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है आपको एक स्केल ही है, ये हरे कलर की है, लाल है और इसमें पीला है। तो इसमें भी 3 रीडिंग 3 लेवल्स इसमें बनाए हैं। तो अगर ग्रीन कलर में आएगा मतलब बच्चा क्या है इसमें हेल्दी है, और अगर येलो में आएगा तो वही कि उसकी वो रिस्क में है, और रेड कलर में आएगा तो उसको मतलब बहुत रिस्क है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से, अब इस स्केल में आपको दिख रहा है कि एक हिस्सा क्या है इसका वाइट कलर का है और एक हिस्सा इसका किस कलर का है, रेड, येलो और ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स जो वाइट कलर का पोर्शन है ये जिसमें सेंटीमीटर लिखा है, ये इसका 0 लेवल होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो सबसे पहले उसको 0 में सेट करना होता है, तो इसका ये 0 लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हमने कैसे बच्चे की आर्म में फिक्स करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होता है। तो देखो अगर बच्चे की जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो 12.6 से 26.5 मारा है, मतलब ग्रीन कलर मारा है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का अभी जो पोषण का लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर वो 11.6 से 12.5 सेंटीमीटर मारा है तो मतलब कि अभी उसको थोड़ा सा कुपोषण
है, मतलब कि रिस्क में है प्योर। लेकिन अगर उसकी रीडिंग 0 से 11.5 सेंटीमीटर में आ रही है, मतलब कि रेड कलर में आ रही है, तो मतलब कि बच्चे को बहुत रिस्क है कि उसको भी कुपोषण का वो शिकार हो सकता है। अब इसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने जो लेफ़्ट वाली आर्म होती है, अपर वाली आर्म, नीचे ऊपर वाली आम, उसमें क्या करना है, अपने सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है वहाँ पे एक उंगली को रखना है। देन उसके बाद में फिर बच्चे की कोहनी को इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है, कि चेस्ट की तरफ मोड़ना है इस तरीके से। देन उसके बाद में फिर इस तरीके से आपने ऊपर वाली जीरो वाली रीडिंग को सबसे ऊपर वाली हाथ के सबसे ऊपर रख लिया और नीचे स्केल को रख लिया जहाँ पे कोहनी है उसकी वहाँ तक। देन उसके बाद फिर क्या करना है, आपने कोहनी में रखने के बाद जैसे नीचे आया था आपका ऊपर 0 से 18 तक आ गया आपकी बच्चे की पूरी ऊपर वाली आर्म, ठीक है। तो 18 का हाफ करना है कितना आएगा, 9। तो 9 में आपने क्या करना है यहाँ पे, मतलब कि आपने अब कहाँ पर मेज़र करना है, 9 वाले रीडिंग में। तो जहाँ पे स्केल में 9 आया था उस तरीके से स्केल को ऐसे फिक्स करना है। अभी इस बच्चे का जैसे आया है 17, मतलब कि वो ग्रीन में है, तो मतलब कि बच्चा भी उसको मालन्यूट्रिशन नहीं है, कुपोषण नहीं है, ठीक है। तो इस स्केल का जो MUAC स्केल है, जिसको मीडियम अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका यूज़ भी हमें कब करना है, जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब हमने बच्चे में हाइट ले ली, उसकी वेट ले लिया, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस को और हेड सर्कमफ्रेंस को हम इंच टेप से मेज़र करेंगे। और तो हमने ये सब चीज़ें लेने के बाद फिर हमें इसे इस ग्राफ में मेंशन करना है, ठीक है। इस ग्राफ में रिकॉर्ड करने के बाद फिर एक ग्राफ बनेगा। अगर उस वो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ आ रही है, उसका जो कर्व है ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि बच्चे का जो ग्रोथ है अभी वो नॉर्मल है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब वो हरे कलर के खाने में होगी। और अगर सीधी फ्लैट आ रही है, जैसे ये डेंजरस लिखा है, तो मतलब कि ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है। तो अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब कि बहुत बच्चे को खतरा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, ये तो एक स्केल होती है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की हाइट वेट सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए 4 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसको बच्चे की वेट देखनी है, एज के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, हाइट देखनी चाहिए, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना चाहिए और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखना चाहिए। और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इन्फेंटोमीटर है, वेइंग स्केल होती है, ये साल्टर स्केल है, जो बच्चों में 6 महीने से ज़्यादा बच्चा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और किस तरीके से यूज़ करना है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और ये है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के लिए MUAC वाली मशीन है, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको फिक्स करना है, और अपर आर्म वाली की ऊपर वाले आर्म में इसको बीच में इसको फिक्स करना है। और अगर ये ग्रीन लाइन में आती है तो मतलब कि बच्चा हेल्दी है, और नॉर्मल कितना होता है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। और ये ग्रोथ चार्ट है जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, एक जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है उसे इसे मेंशन करना होता है। इसमें डिटेल्स भी होती हैं, जिसमें बच्चे की हर महीने जो बच्चा विजिट के लिए मदर लेके आ रही है उसमें लिखना है कि अभी कित, इस चार्ट में भी मेंशन करना है। एक रजिस्टर में अलग से मेंशन करना होता है बच्चे के नाम, उसका जन्म कब हुआ था, ठीक है, और अभी वेट कितना था, हाइट कितना था। इस ग्राफ को उस तरीके से बनाना है। और इस ग्राफ में अगर बच्चे की जो रीडिंग्स हैं अगर वो ग्रीन कलर में आ रही हैं या ऊपर की तरफ आ रही हैं कर्व उसका, ठीक है, तो मतलब कि बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है। अगर वो फ्लैट आ रही है तो मतलब कि बच्चे को खतरा है। अगर बहुत नीचे की तरफ आ रही है ऐसे उसका कर्व, तो मतलब कि बच्चे को क्या हो सकता है, वो अभी बहुत रिस्क में है वो, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसमें आपको रोल ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का रोल लिखना है, एनएम का कम्युनिटी में एनएम का क्या रोल है बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग में और किस तरीके से मदर को एजुकेट करना है। तो आपने ये असाइनमेंट इसमें बनाना है। ओके, थैंक यू।